धुंध पड़ी हुई है, आज बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ये टर्की बैठी हुई है अंडे देने के लिए, अभी इसके नीचे 12 अंडे हैं, अगर आज देती है तो 13 हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मवेशी अभी सारे अंदर ही हैं, अंदर ही इनको चारा डाल दिया है। धुंध और कोहरा, अभी जब ये अंडा देने के लिए बैठती है ना तो काफ़ी देर बैठी रहती है, हो सकता है ये कुड़क हो जाए। दुआ करें ये कुड़क हो जाए, नहीं तो ये अंडे भी सारे मेरे ज़ाया जाएंगे। धुंध और कोहरा थोड़ा नीचे होता है तो फिर इनको खोलते हैं। अभी ड्राफ्ट को खोल जाता हूँ। आज 2-3 दिन बाद इसने फिर से अंडा दिया, 3 अंडे पहले दिए थे और ये चौथा है। सीधा बाहर जाना था लेकिन दरवाज़ा बंद है। हमारी इस गाय को पहले बुखार हुआ और बाद में इसको रतमूत्रे की शिकायत हो गई, अभी माशाल्लाह बेहतर है लेकिन कमज़ोर बहुत हो गई है। कुछ इंजेक्शन लगाए हैं और साथ में ग्लूकोज देते रहे हैं, उससे रिकवर हो गई है और 2-3 दिन में ये रिकवर हो गई है। बाहर धुंध और पानी पिला के इनको अंदर ही बांध दिए। कोई 11-12 बजे ये धुंध उतर जाएगी, फिर इनको बाहर निकाल देंगे। टाइम कोई 12 के करीब हो गया, अभी मैं आया मेरे बार ये मवेशी सारे बाहर निकाले हैं, परिंदों को भी आज खोलते हैं। टर्की अभी भी इधर बैठी हुई है, अब ये उठेगी। ये सुबह से इधर ही बैठी हुई है। ये आ गए हमारे सुहेल, अभी अंडे चेक करेंगी। 4, 4, 8, 12, 13 अंडे हो गए। कोई इतनी हास नहीं है, अभी भी बादल वगैरह बने हुए हैं। शाम का टाइम हो गया, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। वाइट टर्की ने तो सुबह अंडा दिया था, ब्लैक टर्की जो है वो 3-4 बजे मैंने देखा है अंदर बैठ रही थी। आज पहली दफ़ा मैंने इसे देखा है बैठते हुए, चेक करते हैं अंदर अंडा दिया है कि नहीं दिया। 3-4 बजे मिल्किंग का टाइम होता है और इसलिए इनको बाहर निकाल देता हूँ सारे परिंदों को। टर्की जो है वो फीमेल ब्लैक, जो ब्लैक टर्की फीमेल अंदर आ गई थी। ये आ गया ब्लैक टर्की का अंडा। आज से कोई 2-3 दिन पहले मुझे इधर से मिला था, मुझे लगा शायद दूसरी ने दिया हो। एक दिन मुझे मिले थे 2 अंडे इकट्ठे 2, उसके बाद नहीं मिले। वैसे तो मैं इसे खोल देता हूँ बाहर सेकंड टाइम, लेकिन आज से नहीं खोलूँगा, शायद ये बाहर ही अंडे देती हो। यहाँ दिल करता है वहाँ दे देती है अंडा। वाइट टर्की ने तो ये एक जगह पक्की रखी हुई है, इधर ही अंडा देती है। ये ब्लैक जो है ये फिर के अंडे देती है, इसको आइंदा से बाहर नहीं खोलना, हो सकता है ये बाहर खेतों में ही अंडा दे आती हो। हमारी छोटी सी वीडियो,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।